नमस्कार। कैथल जिला प्रशासन द्वारा आज 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैथल की पुलिस लाइन में 77वां स्वतंत्रता दिवस है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो परेड की अगुवाई है DSP ललित कुमार कर रहे हैं। हरियाणा स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने शहीद परिवारों को सम्मानित भी यहाँ किया गया है और जो जिन बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उन बच्चों को 5 लाख रुपये दिए हैं और अपनी तरफ से नरनारायण सेवा संस्थान को 2 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। तो तस्वीरें आपको कैथल पुलिस लाइन की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत करते हैं जो कमल गुप्ता है मुख्य अतिथि हैं उनसे कि क्या कुछ उन्होंने जिलावासियों को मैसेज दिया है। देखिए, कैथल की पावन धरती पर यह भी महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का हिस्सा मैं समझता हूँ कि था, यहाँ पर आज 77वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए मुझे यहाँ अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, भाग्यवान मानता हूँ और हमारा देश ये आज़ादी का पर्व और इस दफ़ा खुशी की बात यह है कि पिछले 2-4 वर्षों से जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं जनता ने इनको अडॉप्ट किया। आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घर घर तिरंगा, हर मन में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर घर पे, हर बिल्डिंग पे तिरंगा और तिरंगा यात्राएं एक एक शहर में कई कई लोग निकालते हैं। तो एक किस्म से देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इस राष्ट्रीय पर्व को मन से, दिल से स्वीकार किया और ये कोई एक परिवार की भूमि नहीं है, अनेक बहुत सारे जो बलिदान हुए लोगों ने फांसी दी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बहुत सारे लोग। और फिर उससे पिछले इतिहास में हम जाएं तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सब लोगों ने देश को स्वतंत्र बनाने में बहुत योगदान दिया और बड़ी मुश्किल से ये हमें मिला और आज हम इसको विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। आज हमारा जो विदेशों में जो मान सम्मान है, इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो UK की महारानी अपना दस्ताना उतारकर उनसे हाथ मिलाकर अपने आप को धन्य समझती है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये भारत का एक विश्वगुरु बनने का जो सपना है वो साकार होने की तरफ हम अग्रसर हैं। आज वो अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका राष्ट्रपति रेड कार्पेट बिछाकर हमारी शर्तों पर हमारा स्वागत करता है। मेरे देश, मेरी माटी, मेरा देश, ये इस तरह के कई प्रोग्राम जो माननीय मोदी जी ने चलाए और उनका अनुसरण हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं और हम सब ने बड़े देश को उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया, ये हम सबके सौभाग्य की बात है और मैं सबको इस स्वतंत्रता दिवस पर उनको बधाई देता हूँ, उनके अच्छे जीवन की मंगल कामना करता हूँ। देखिए, ये समझने की बात है, पोर्टल में मैं यदि आपसे पूछूं तो आपको कैसा लगता है, आप ये सारा का सारा जो काम कर रहे हैं इसमें पोर्टल का कितना बड़ा रोल है? आप जो आज पूरा प्रोग्राम दिखाया तो मुझे ऑनरेबल DC साहब ने बताया कि ये पूरा वर्ल्ड इसको लाइव देख रहा है। अगर हम इस कला को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आज हमने परिवार पहचान पत्र को पोर्टल पर डाला, आज हमने नगर दर्शन को पोर्टल पर डाला, आज हमने ग्राम दर्शन को पोर्टल पर डाला, हमने प्रॉपर्टी ID को, अब शुरू शुरू में जब हम नए सिस्टम में जाते हैं तो दिक्कतें आना स्वाभाविक है, उन दिक्कतों को हम दूर करने का चैलेंज हमने स्वीकार किया और जो पिछले लोग हैं, जो दूसरी सरकारें हैं, वो तो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाई, वो तो डर गई, वो तो कहती हैं नहीं, GST हम नहीं ला सकते, हम पोर्टल पर काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं पोर्टल 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 की सरकार तो होना गर्व की बात है। आज हम एक बटन दबाकर हमें ये पता है कि 1 लाख से कम की आबादी वाले कितने लोग हैं, 1,80,000 से कम की आबादी वाले कितने हैं, 3 लाख से कम की आबादी, आज हम एक बटन दबाते हैं तो हमें आज ये पता लगता है कि आज के दिन कितने लोग 60 वर्ष की आयु को पूरा कर गए, कितने लोगों को अनाज मिला, कितने लोगों को पेंशन मिली। ये सारा पोर्टल का जमाना और इसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पूरे विश्व में हम पीछे रह जाएंगे। पोर्टल व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया था, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन, और क्या करेंगे वो, उनका काम एक तो ये कहना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी,
देशभक्त पार्टी उसको वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? कोई बराबर की बात होती, कोई तंत्र की बात होती तो मैं इसका जवाब देता। होए सोए जो राम रची राखा और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखे, उन्होंने देश की आजादी के बाद सिवाय एक परिवार के, और उस परिवार ने देश को तोड़ने का काम किया, देश को आजादी मिली पाकिस्तान बना दिया, धारा 370 दे दी, बाद में ये जो चीन को अक्साई चीन जो है 1962 में वो दे दिया तोड़ने का काम, और आज उनके नेता यात्रा निकालते हैं। अरे यात्रा तो निकाली थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को जोड़ने के लिए, एक देश में दो निशान दो विधान और दो संविधान नहीं चलेंगे, यात्रा निकाली मुरली मनोहर जोशी ने। आज तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती नहीं है, आप देखिए वहां तो तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। आज वो तिरंगा लगाने के लिए वो कहते हैं कि देश को जोड़ रहा हूं। कौन से देश को जोड़ रहे हो भाई? जुड़े हुए देश को जोड़ रहे हो क्या? क्या किया आपने? आपके परिवार में किसने फांसी खाई? आप कहते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी में क्या बलिदान दिया? अरे ये जितने शहीद जो मैंने नाम बोले, इनमें से ये जो किसी कांग्रेस की और ये जो परिवार है, इसमें किसी ने फांसी खाई क्या? बताइए मुझे। केवल देश पर राज किया, वंशवाद को फैलाया, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। ये देश क्या हुआ बताइए आप? ये देश को तोड़ने का काम इन्होंने किया? ये यात्रा आज कोई पहली बार तो नहीं निकल रही थी? कुछ असामाजिक तत्वों ने जो ये खून खराबा करने की कोशिश की, एक एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं बताऊं, सिखों का राइट भूल गए? और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कितने लाखों लोगों का की हत्या हुई थी वो भूल गए? आज ये एक नू का काम खुद भड़काकर, खुद ये तांडव करके, और आज ये इसका जिक्र कर रहे हैं। वो जो वो संस्था है वो तय करेगी, वो हमने उसमें कुछ सहयोग नहीं करा। नहीं, ये उनका काम है, कानून व्यवस्था रखना हमारा काम है, हम रखेंगे।